सभी को नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन आयुर्वेदा रिव्यू में। मैं आपका अपना विनोद पांडे आज आप सभी के लिए बेहद ही खास वनस्पति लेके आया हूँ। ये वनस्पति ऐसे तो खास करके बाहरी वनस्पति है, लेकिन अपने यहाँ पे भी कुछ जगहों पे ये देखने को मिलती है, जैसे कि उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में ये पाया जाता है। और इसे हिंदी में गुलुगुलु या कुल्ली के नाम से जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे गोंद कतीरा कहा जाता है। आपके यहाँ पे इस वनस्पति को किस नाम से बुलाया जाता है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वनस्पति आयुर्वेद मत से इसका रस जो होता है वो मधुर होता है, गुड़ जो होता है वो मंद होता है और पिछल होता है, विपाक इसका मधुर होता है और शीत वीर्य की वनस्पति है। ये पित्त के रोग और वात के रोगों का नाश करती है। खास करके इस वनस्पति का गोंद ही प्रयोग में लिया जाता है। अधिक मात्रा में गोंद कतीरा सेवन करने से काम शक्ति नष्ट होती है और शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है। यदि कि अधिक मात्रा में इसका सेवन कर ले तो वो लोग यदि चाहें तो सौंफ और मधु यानी कि शहद का प्रयोग करके इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसका सबसे पहला प्रयोग है दुर्बल लोगों के लिए, जो लोग दुर्बल हैं वैसे व्यक्तियों के लिए गोंद कतीरा ले लें और कुष्मांड अवलेह ले लें। कुष्मांड अवलेह अगर आपने 100 ग्राम लिया हुआ है तो इसमें आप 25-30 ग्राम जितना गोंद कतीरा एकदम बारीक करके डाल दें, यह आसानी से फूटता नहीं है, तो इसका चूर्ण बनाएं बारीक और फिर इसमें मिला दें। यदि इसका सेवन करते हैं तो जो लोग दुर्बल हैं उन लोगों का वजन बढ़ता है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को डायबिटीज़ में चीनी आदि जाती हो, वो लोग गोंद कतीरा, कबाब चीनी, लोहबांसत, यवछार, वंशलोचन, छोटी इलायची, सेलखड़ी और विरोजा नींबू का सत्व, ये सब के सब बराबर मात्रा में लेके मिला लें और इसका 1-3 ग्राम तक का चूर्ण यदि बकरी के दूध से या मट्ठे के साथ सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह से जो लोग स्वप्न रोग दोष से परेशान हों वैसे लोग गोंद कतीरा मोटा मोटा कूट लें और इसको यदि दूध के साथ सेवन करते हैं तो स्वप्न दोष की शिकायत दूर होती है। यदि चाहें तो इसमें शीतल चीनी और ताल मखाना चूर्ण, इलायची के बीज और गिलोय सत्व ये मिला के भी सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग सोम रोग से परेशान होते हैं तो ऐसे लोग कतीरा गोंद को घी में भूनकर यदि इसका सेवन करते हैं तो सोम रोग, साथ में जांघों का दुखना, दुर्बलता आदि रोग नष्ट होते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी का आप सभी लाभ लेंगे। यदि जानकारी ठीक लगती है तो अपने अपनों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।